महाराष्ट्र में तुरंत फ्लोर टेस्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अब कल तक की सुनवाई टाल दी है और आगे अब मामला कैसे बढ़ सकता है, सभी पक्षों को तलब किया गया है। और वहीं अब इस फैसले के बाद, सभी पक्षों को तलब करने के बाद कांग्रेस नेताओं का क्या रिएक्शन सामने है वो आपको सुनवा दें। इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई कि कोशिश हुई है, इनके पास बहुमत नहीं था उस पर, इसलिए इनको समय नहीं दिया जाना चाहिए और तमाम वो नोटिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट को मंगानी चाहिए, चाहे जो गृह मंत्रालय की हैं, कि क्या कारण था, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई थी जो कि रात्रि में ही यह सब कुछ करना आवश्यक था। और इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है फडणवीस सरकार को बने रहने का, को समय नहीं दिया जाना चाहिए MLAs को अगवा करने का, खरीद फरोख्त का करने का, जो प्रजातंत्र का अपमान होगा। इस पर जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे, शक्ति परीक्षण हो जैसे कि परंपरा है, ताकि प्रजातंत्र को जो चोट पहुंची है उसको ठीक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल सुबह 10:30 बजे दोबारा सुनवाई होगी। बीजेपी का वकील जिस तरीके के आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो टैक्टिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको मिल जाए। कभी कहते हैं कि आप असेंबली की, हाउस की इज्जत कीजिए सुप्रीम कोर्ट, कभी कहते हैं इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कभी कहते हैं 2-3 दिन का टाइम दीजिए हमें जवाब देने के लिए। देश देख रहा है कि बीजेपी सिर्फ वक्त चाहिए, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। हमारा कहना है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आपको किस चीज के लिए वक्त चाहिए।